फिलहाल अगर जोजिला पास की बात करें तो जोजिला पास इस वक्त खुला है, गाड़ियां आर पार हो रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं जोजिला की बात की जाए इस पर कहीं भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये वो एरिया है जहां किसी भी वक्त बर्फ़बारी, हैवी स्नोइंग हो सकती है और जोजिला पास कट सकता है। ऐसे में विंटर स्टॉकिंग को लेकर जिस तरह से पहली बर्फ़बारी हुई है उसके बाद लद्दाख के लोगों में काफ़ी खदशात पाए जाते हैं। लोगों का ये मानना है कि अगर इस तरह से कंटिन्यूसली 2 से 3 दिन तक स्नोइंग हुई तो ऐसे में जोजिला पास बंद हो सकता है और विंटर स्टॉकिंग का जो इशू है वो बहुत बड़ा बन सकता है, क्योंकि विंटर स्टॉक इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ये वो इलाके हैं लद्दाख जो कि जोजिला पास के बंद होने के बाद लगभग 5 से 6 महीने के लिए पूरी दुनिया से कट जाता है। ऐसे में लोग पहले से ही विंटर को लेकर राशन की बात की जाए या विंटर के लिए गर्म कपड़ों की बात की जाए और दिगर जो ज़रूरत ज़िंदगी है उसका स्टॉकिंग करते हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि अब एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वादे किए हैं विंटर में काफ़ी लंबे टाइम तक जोजिला पास खुला रखने का, तो इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक कामयाब